तो दिल्ली विधानसभा में बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए विजेंद्र गुप्ता। बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है जहां पार्टी कार्यालय में दिल्ली बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक में सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पास हुआ है। विधायक अजय महावर ने पार्टी के नेता के रूप में विजेंद्र गुप्ता का नाम प्रस्तावित किया था। प्रस्ताव पास होने के बाद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इसकी आधिकारिक घोषणा की है कि अब विजेंद्र गुप्ता दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता होंगे। बैठक में पार्टी की सह प्रभारी डॉक्टर अलका गुर्जर, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और संगठन महासचिव पवन राणा समेत तमाम नेता मौजूद रहे। बता दें कि पूर्व नेता विपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी की तरफ से दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने और जीत हासिल करने के बाद यह पद खाली हो गया था, जिस पर विजेंद्र गुप्ता की नियुक्ति हुई है। हम ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, बड़ा फैसला लिया गया है, बड़ी जिम्मेदारी भी चुनावों के लिहाज से। देखिए, चुनाव के लिहाज से एक बड़ा फैसला भी और बड़ी एक जिम्मेदारी, क्योंकि विजेंद्र गुप्ता इसके पहले भी दूसरी बार, ये कहा जाए कि दूसरी बार बने हैं और इसमें भाजपा विधायक दल के नेता चुने गए हैं। इसको आज एक बैठक हुई, विधानमंडल दल की बैठक हुई, जो भाजपा की बैठक हुई और उसमें पार्टी कार्यालय में ये बैठक हुई थी और जिसमें तमाम जो सह प्रभारी अलका गुर्जर थी, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मौजूद थे, संगठन महासचिव पवन राणा वहां पर मौजूद थे और साथों के साथों विधायक वहां पर मौजूद थे। और उसको अजय महावर ने पार्टी के नेता के रूप में विजेंद्र गुप्ता का नाम प्रस्तावित किया और उसके बाद इनके नाम पर मुहर लगी थी। एक बड़ा कार्यक्रम, प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और दिल्ली की राजनीति पे आपने देखा भी होगा कि मुखर होकर के यहाँ पर जो सरकार है उसको घेरने की कवायद कोशिश इनकी हमेशा से रही है। तो अब देखा जाए तो विजेंद्र गुप्ता को फिर से एक बार भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया है, तो जाहिर सी बात है कि सदन में अब और धार कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी और सरकार को घेरने की कवायद यहाँ पर जल्दी मॉनसून सेशन में भी यही तस्वीर देखी जाएगी। राहुल, क्षमा चाहता हूँ जी, मॉनसून सेशन में भी यही तस्वीर अब देखी जाएगी। जाहिर सी बात है कि मॉनसून सेशन में भी इस तरीके की तस्वीर देखने को मिलेगी और विजेंद्र गुप्ता की यदि आप बात करें तो विजेंद्र गुप्ता जिस तरीके से, क्योंकि कई एक मुद्दों ने देखा होगा कि ठीक है राहुल मैं लौटूंगी। हमारे साथ विजेंद्र गुप्ता जी खुद जुड़ गए हैं, बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं। विजेंद्र जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। आगामी चुनावों के लिहाज से एक बड़ा कदम माना जा रहा है, बड़ा फैसला माना जा रहा है, पार्टी ने पूरा भरोसा जताया है। हाँ, निश्चित रूप से पार्टी ने भरोसा जताया है और मैं पार्टी का बहुत आभारी हूँ। पार्टी ने मुझे इस क्रूशियल मूवमेंट पे ये जिम्मेदारी दी है, जब दिल्ली पूरी तरह से केजरीवाल जी की सरकार में डीरेल हो चुका है और ये सरकार का विसर्जन निश्चित है और दिल्ली में समस्याओं का अंबार है। इस सरकार के से लोगों की अपेक्षा अब समाप्त हो चुकी है, अब लोग इस सरकार से अपेक्षा ही नहीं कर रहे कि ये हमारी समस्याओं को हल कर सकती है। ऐसे में लोगों को एक बेहतर विकल्प देना और वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। विजेंद्र जी, आगामी सेशंस में क्या रणनीति रहेगी? अक्सर हमने देखा है कि बीजेपी विधायकों को बाहर कर दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है। बुलाए जी सत्र की मीटिंग, अभी तो विधानसभा की बैठक होना ही एक विषय है, तो ये बहुत जरूरी है कि विधानसभा की बैठक जो है वो ये सरकार नहीं बुलाती है और ये मुद्दों से भागती है। तो बतौर अब विधायक दल के नेता विजेंद्र जी, आपका अगला कदम क्या रहेगा, पहला कदम क्या रहेगा? पहला कदम यही है कि पार्टी की जो भी रणनीति है उसके तहत हम जनता के बीच में जा रहे हैं और लोगों में अलग जगा रहे हैं और लोगों से संपर्क कर रहे हैं और जो घटना भी हुई है राजेंद्र नगर में, उन्होंने तो लोगों की नींद उड़ी है कि ये सरकार से तो हम कोई भरोसा कर ही नहीं सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुभकामनाएं आपको। और बीजेपी विधायक दल का नेता विजेंद्र गुप्ता जी को चुना गया है। राहुल भी हमारे साथ लगातार बने हुए थे। राहुल, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।